हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। बहुत सारी जो है वो वैकेंसी के विज्ञापन आने स्टार्ट हो गए हैं। परमानेंट वैकेंसी आई एयरफोर्स स्कूल से, लास्ट वीडियो आप देखिएगा। जिन भी कैंडिडेट का सब्जेक्ट है तो बिल्कुल अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फीस जो है आपकी नहीं लगने वाली है। इसी तरीके से जो है आर्मी स्कूल शिक्षक भर्ती का नया एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है। यहाँ भी जो है रेगुलर परमानेंट पोस्ट निकाली गई हैं, प्राइमरी टीचर्स की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, और इसके अलावा भी जो है कई पोस्ट हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को विज्ञापन में सब्जेक्ट दिखाती हूं, कौन कौन से सब्जेक्ट की यहां पर जो है वो वैकेंसी है। आर्मी स्कूल से ये वैकेंसी निकाली गई है। पीजीटी में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी आई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस की वैकेंसी है। पीआरटी में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, और साथ में इसमें म्यूजिक एंड योगा की भी वैकेंसी है। हेडमिस्ट्रेस की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, और स्पेशल एजुकेटर टीचर की भी वैकेंसी है। कैसे जो है आप लोग यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए अभी जो है हम देख लेते हैं यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कही गई है। तो पीजीटी के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में 55% मार्क्स होने चाहिए, बीएड या एमएड होना चाहिए, 50% मार्क्स उसमें मांगे गए हैं। और जो है वैलिड ओएसटी स्कोर कार्ड, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि AWES जो है हर साल जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलता है, CSB या फिर OST स्कोर कार्ड जिसको कहते हैं, ये आपके पास जो है होना चाहिए, तभी आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है आर्मी स्कूल में जो है टीचर्स बनने के लिए जो है ये एग्जाम होता है हर साल। AWES की जो मेन वेबसाइट है उस पर जो है आप लोग देखिएगा जाकर, मैंने भी जो है वीडियो बनाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम भी दिया था। टीजीटी के लिए इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन के साथ में जो है बीएड या एमएड होना चाहिए, और सी टेट या टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अभी यहाँ पर सी टेट या फिर आपके राज्य का टेट जो है यहाँ पर मान्य रहेगा, साथ में जो है OST कार्ड भी जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी कंफ्यूज ना हो, जिनके पास जो है CSB स्कोर कार्ड, इसी को पहले CSB स्कोर कार्ड बोलते थे, ये आपके पास होना चाहिए। थोड़ी कंप्यूटर की जो है नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। प्राइमरी टीचर्स में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, और इसके लिए कहा है कि ग्रेजुएशन आपकी 50% मार्क्स के साथ में जो है 2 साल का जो बीएड डीएड जो आप जानते हैं डिग्री डिप्लोमा प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है वो आपका जो है होना चाहिए, या बीएड भी है अगर आपके पास तो भी आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो है 6 मंथ का जो है यहाँ ब्रिज कोर्स जो कराया जाता है प्राइमरी टीचर्स के लिए वो भी जो है यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यानी पीआरटी के लिए जो है बीएड वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है प्राइमरी लेवल का वो भी साथ में चाहिए, नहीं तो 2 साल का जो आपके पास जो है डिग्री डिप्लोमा है प्राइमरी टीचर्स के लिए तो भी जो है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर वन या फिर आपके राज्य का टेट पेपर वन क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ में OST स्कोर कार्ड। उसके बाद हेडमिस्ट्रेस जो है एक ऐसी पोस्ट है जहां पर अनुभव मांगा गया है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है। तो ग्रेजुएशन के साथ में जो है आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स विद बीएड या एमएड, बीएड या डिप्लोमा आपके पास जो भी है, और साथ में जो है आपके पास जो है यहाँ पर 8 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 5 साल का तो हो प्राइमरी लेवल पर, हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट पर आपने काम किया हो, एज यहाँ पर जो है 55 ईयर और 57 ईयर जो है ESM या टीचर्स जिन्होंने सेम स्कूल में पढ़ाया हो, उसके बाद जो है सीटेट भी चाहिए, OST स्कोर कार्ड भी चाहिए। ठीक है, तो हेडमिस्ट्रेस के लिए जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ में बीएड, एमएड, सीटेट और साथ में जो है OST स्कोर कार्ड होना चाहिए। काउंसलर के लिए इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में और साथ में डिप्लोमा काउंसलिंग का आपके पास होना चाहिए, 3 साल का जो अनुभव भी मांगा गया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर OST स्कोर कार्ड जो है काउंसलर के लिए नहीं मांगा गया है। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन होना होगा आपका, और बीएड स्पेशल एजुकेशन में चाहिए, अगर आपने बीएड जनरल से किया है तो यहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया होना चाहिए, बस इतना ही यहाँ पर मांगा है, कोई अनुभव नहीं मांगा है, कोई OST स्कोर कार्ड नहीं मांगा गया है, केवल जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन।
अब जो है नोट यहाँ पर पढ़ लेते हैं. कैंडिडेट वो हैव क्लियर्ड सीएसबी एग्जाम, जिन्होंने सीएसबी एग्जाम क्लियर कर रखा है उनके पास स्कोर कार्ड है, चाहे आप ओएसटी स्कोर कार्ड उसको बुलाएं. डाउनलोड करना है आप लोगों को सबसे पहले एप्लीकेशन फ्रॉम AWES की मेन वेबसाइट है. ये मेन वेबसाइट है, यहीं पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा. तो आप लोगों को जो है मेन वेबसाइट पर आना है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, यही जो है कंडक्ट करवाता है सीएसबी और ओएसटी जो स्कोर कार्ड आप लोगों को मिलते हैं. तो हर साल जो है ये आयोजित किया जाता है, इस साल भी जो है हुआ है, बिल्कुल आप लोगों को मैंने बताया है वीडियो के माध्यम से. यहाँ पर जो है करियर सेक्शन में नीचे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिलेगा, इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, डायरेक्ट जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकें. तो ये है टीचिंग स्टाफ के लिए. तो आपको बता दूं ये जो है बिल्कुल रेगुलर वैकेंसी के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसे जो है डाउनलोड कर लेना है. उसके बाद जो है आप लोगों को अपनी दो रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपने जितने एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, अनुभव है अगर मांगा गया है तो, ओएसटी स्कोर कार्ड की कॉपी और 100 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदाबाद कैंट के नाम से आपको बनवाना है. ठीक है, बस इतना ही आपको करना है. ऑल कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड रिटन टेस्ट. यहाँ पर क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश भाषा जिसमें भी जो है आप लोगों को सहूलियत होती है उस भाषा में आप लोगों का जो है टेस्ट होगा, आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप जो है आपका पूछा जाएगा. वैसे तो इंटरव्यू ही रहेगा, बट कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो रिटन टेस्ट हो सकता है, लेकिन आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं. तो आप लोगों को जो है अपना कोई भी जो है तैयार करके ले जाना है टॉपिक. लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्मेट की 15 जनवरी 2024, ये आपको ध्यान में रखना है. एप्लीकेशन जो है वो केवल और केवल बाय पोस्ट भेजना है, यानी जो कैंडिडेट अहमदाबाद में रहते हैं वो अगर सोचे कि स्कूल में जाके जो है बाय हैंड जमा करवा दें, ऐसा नहीं, बाय पोस्ट भेजें. ठीक है, ईमेल से भी नहीं भेजना है, रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है. लास्ट में इन्होंने एक लाइन क्या लिखी है, अब कई स्टूडेंट जो है ये पूछते हैं कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो है गवर्नमेंट है प्राइवेट है, तो यहाँ बिल्कुल लिखा है कि ये जो है अनएडेड स्कूल है, यानी जो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनके द्वारा जो है ये स्कूल चलाए जाते हैं, चाहे एयरफोर्स स्कूल की बात करें चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें. एड्रेस जो है वो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदाबाद कैंट सिवोंग अहमदाबाद 380004, ये पिन कोड है. मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पर कॉल कर सकते हैं. प्राइवेट अनएडेड स्कूल है ये. ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है. नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, साथ में जो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखाया है AWES की जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट का लिंक सीधे ही जो है अवेलेबल करवा दूंगी. जैसे आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो नीचे तक जो है वो आप देखा करें, वहीं आप लोगों को दोनों ही लिंक मिल जाएंगे. जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई करिएगा. थैंक यू.